नमस्कार, आप देख रहे दूर देहात न्यूज में आपके साथ पलक। टीएमसी में शामिल हुए बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, राजनीति से संन्यास लेने का किया था ऐलान। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो तृणमूल कांग्रेस में उन्हें शामिल हो गए हैं। हाल ही में उन्होंने ऐलान किया था कि वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में शामिल हो गए हैं। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी और राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने बाबुल सुप्रियो को पार्टी की सदस्यता दिलाई और स्वागत किया। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री विस्तार से पहले बाबुल सुप्रियो मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में उन्होंने राजनीति से संन्यास भी लेने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वह सांसद पद से भी इस्तीफा दे देंगे, लेकिन बाद में वे अपने फैसले से पलट गए और कहा था कि सांसद बन रहेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। वे पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीते थे। इस बीच टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने दावा किया है कि बीजेपी के कई नेता टीएमसी नेतृत्व के संपर्क में हैं, तो बीजेपी से संतुष्ट नहीं है। आज शामिल हुए दूसरा कल शामिल होना चाहता है, यह प्रक्रिया चलती रहेगी। वेट एंड वॉच। दिलचस्प है कि बाबुल सुप्रियो को टीएमसी की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य विरोधी के तौर पर जाना जाता था, लेकिन राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। बाबुल सुप्रियो से पहले कई नेता बीजेपी से टीएमसी में आ चुके हैं। बाबुल सुप्रियो ने पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन जीतने में कामयाब नहीं हो पा सके। बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल के टालीगंज विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान करते हुए उन्होंने लिखा था, अलविदा, मैं किसी भी राजनीतिक दल में नहीं जा रहा हूँ। टीएमसी, कांग्रेस, सीपीआईएम, किसी ने भी मुझे कोई बुलावा नहीं दिया है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। सामाजिक कार्य करने के लिए राजनीति में होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी तमाम खबरों की जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।